अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम और सत श्री अकाल, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने रूम से। तो मैं अभी ना अपने रूम में ही हूँ। तो अभी हम कहीं पर जाने वाले हैं। मिस्टर हस्बैंड जी अभी तैयार व्यार हो रहे हैं और खाना पीना तो हमने बना दिया है, बस खाया नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं और तैयार हो लेते हैं। और कहाँ जा रहे हैं तो वो आपको बताएंगे। आज हम घूमने जा रहे हैं, तो आज हम घूमेंगे। और तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी मैं फटाफट नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ और खाना भी खा लेते हैं। तो इसके लिए हम जा रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो फाइनली गाइज, मैं अभी रेडी हो गई हूँ। देख सकते हैं हमने सूट पहना हुआ है और खाना पीना भी खा लिया है। मिस्टर हस्बैंड जी शॉप में ताला लगाने के लिए गए हुए हैं। तो अभी टाइम हो गया है 11:30 बजे का, तो हमें फटाफट 1 बजे वहाँ पर पहुँचना है। तो चलते हैं, फटाफट चलते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। और रास्ते में जो भी प्यारे प्यारे से व्यू आएंगे ना, आप उनको इंजॉय कीजिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। कागज भी रख लिए। यहाँ से मैंने हेलमेट भी ले लिया है और पर्स भी ले लिया है। अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करने के बाद हम रुक चुके हैं यहाँ पे, जो जंगल है तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और सितारगंज से तो हम नहीं आए थे, घर से हम आए थे तो सितारगंज नहीं गए, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा मतलब पड़ जाता वहाँ से। तो हमने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था। तो वहाँ जो गांव पड़ते हैं वो एक आधी गाँव है, निकुलिया वगैरह। तो हम वहाँ से आए और सीधा सिडकुल के तरफ हम लोग निकल गए थे। तो अभी हमने चोरकलिया वगैरह क्रॉस कर लिया है और हम अभी भी जंगल में रुके हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर सा व्यू आ रहा है। तो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी चलते हैं, हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मिस्टर जी ने अपना हेलमेट तैयार कर लिया है, पहन लिया है और यहाँ गाड़ी भी रेडी हो गई है। तो आप चलते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। तो फाइनली हम ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, यहीं तक हमें आज आना था। तो चलिए जी, हम अपना काम जो है ना वो फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. चलो ना। तो इन्होंने लगा दिया गाड़ी का साइड में। गाइज, अभी हम ना थोड़ा सा यहाँ पे रुके हुए हैं, तो मिस्टर जी तो उस साइड में चले गए हैं और मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। और ये जो रोड दिख रही है ना, इस रोड से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो क्या कहते हैं, जब मैंने हल्द्वानी से ना कॉलेज किया हुआ था, तो ये वाली जो रोड है ना, इससे मेरा आना जाना लगा रहता था। चलो मैं अभी साइड चलती हूँ और वहाँ से आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ देखो नदी ने कैसे काट दिया है रास्ता। हाँ, जानवर सब चले हुए हैं। हैं? नहीं, वो ऐसे ही बने होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो रेत है ना, यहाँ खड्डे बने हैं। तो ये मिस्टर बोल रहे हैं कि यहाँ से जानवर आते जाते रहते हैं। तो गाइज, यही वाली रोड है जिससे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है 4 साल पुराना है ना। पानी पीने के लिए तुम लेकर ही नहीं आए, यहाँ रुके तो हैं, और ना तो हम खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं ना पीने के लिए कुछ आए, खाली मूली यहाँ पे आकर रुक गए हैं
मैं गई थी ना तो उसके आगे हम नहीं गए, अगर आगे जाते तो 15 मिनट का और रास्ता था तो हम लोग पहुंच जाते हल्द्वानी। अब हल्द्वानी तो हम गए नहीं क्योंकि काम नहीं था हल्द्वानी। अब जाएंगे किसी दिन तो आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग भी बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी मतलब हल्द्वानी नहीं गए हैं, 15 मिनट का रास्ता था तो गए नहीं। अब दोबारा जाएंगे तो अभी हम ना सीधे घर जाने वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं घर, गाड़ी में सवार होके हैं। कसम से यार ना, हेलमेट गिरा दिया इन्होंने, तुम ही उठाओगे, मैं तो नहीं उठाऊंगा। अरे 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 ये भी गिरा दिया। आराम से जाना यार। ये डंडा ले लो, ये डंडा। अरे 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 मैं जाती हूँ। अरे 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 आराम से यार। मैं जाऊँ चप्पल खोल के? और यहाँ पे हमारा हेलमेट गिर गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पत्तों के बीच में हेलमेट लगा हुआ है। और मिस्टर जी वहाँ से आ रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ से एक बार तो कोशिश की पर यहाँ से निकला नहीं। हेलमेट गिराओगे? तो चलिए जी अभी हम सितारगंज पहुंच गए हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये सितारगंज का मेन एरिया है और हम सितारगंज कुछ काम से आए हुए हैं, वरना हम शॉर्टकट ले लेते लेकिन हमें कुछ काम था तो उस वजह से हमें सितारगंज आना पड़ा। मीना बाजार। तो चलिए जी हमने अपना काम भी कर लिया है और काम करने के बाद हम यहाँ पे एक शॉप स्लीपर्स की दुकान में आ गए थे, जहाँ पे मैंने स्लीपर खरीदी दो और यहाँ पे भैया हमें दे रहे थे, मिस्टर जी ने बिल पे किया और उसके बाद हम चलते हैं सीधा घर। नहीं तो ये मैं बंद नहीं करके गई, मैंने नहीं बंद किया, पापा ने किया होगा। ला मेरा पर्स दो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चप्पल नीचे से टूट गई, इसकी तड़ी जो है ना ये भी टूट गई, तो इस वजह से और मैंने चप्पल ले ली क्योंकि बाहर पहने। वैसे ये मेले से लेकर आई थी 100 रुपए की और ये ऊपर से तो अच्छी खासी है, घर में मैंने इसको काफी पहना लेकिन ये इतने जल्दी टूट गई, पता नहीं कैसे टूट गई। ये है मेरी चप्पल, इसको मैं लेकर आई हूँ घर में पहनने के लिए, तो ये तो मुझे 100 रुपए की मिली है और एक जोड़ी ये हो गई। ये डेली वेज के लिए, मतलब थोड़ी देर बाहर कहीं पे भी जाओ तो वो भी मेरे पास, मतलब ये रेगुलर वाली चप्पल नहीं थी और ये वाटरप्रूफ चप्पल है और नानकमता में मतलब कभी कभार मिल जाते हैं, नहीं तो पसंद की चप्पल नहीं मिलती हैं, वही चप्पलें हमेशा दिखती रहती हैं, तो ये वाला मुझे कुछ अलग मिला तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ। तो चलिए अभी गाइस मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया है और अभी खाना बनाने के लिए जाती हूँ मैं, और अपनी नई नई चप्पलों का शुभारंभ करते हुए मैं जाती हूँ किचन में। तो चलो भाई ड्यूटी तो निभानी है, खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा किचन, तो ये है मेरा किचन, अब मैं इसमें लग जाती हूँ हलवाइये की तरह काम करने के लिए। ऐसा कुछ ना है, पाटेंगे उठेंगे ना, सबको ही देखेगो, जो थोड़ी ना कि छोड़ दे रहा है कोई ना, कह रहा हो ना कि ऐसे आधर उधर मत कर कोई ना, आंगे का है ना, आंगे घर ही आंगे ना। मैडम मैं तो पाई गई हूँ गुरुमंत से, कह हूँ बेटा चलने पड़े वो चार होली घूम खेलना ऐसे ही खाना, घर तुम्हारा है। हाँ कोई ना, आंगे कहा ना आंगे,
आते ही तो हैं, अबे देख कितने चक्कर लग गए। सही करो आएगा तो चाय बनाते रहो, खाना खा जाना था, आलू की सब्जी बनाओ। तो चलिए गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जो न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अनुराधा मिलती हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।